गाइस, क्या आपको पता है आप मेरी वीडियो क्यों देखने आए हो? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि मैं YouTube से कैसे पैसे कमा सकता हूं। अगर मैं YouTube पे वर्क कर रहा हूं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मैं मनी अर्न कर सकता हूं? अगर मेरे व्यूज आ रहे हैं तो मुझे कितने व्यूज के कितने नंबर ऑफ डॉलर या कितने नंबर ऑफ रुपीज मिलेंगे? आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरी इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। ए टू जेड जितनी भी यूट्यूब अर्निंग से रिलेटेड जो चीजें होने वाली हैं आपको इस वीडियो में पूरी मिलेंगी। तब जाके आप पूरे एग्जैक्ट तरीके समझ पाओगे यूट्यूब से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो कि कोई दूसरा यूट्यूबर आपको नहीं बताता है कि आप किस तरह से कमा सकते हो। हेलो गाइस, मैं आपका आकाश। गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। आप यूट्यूब से कैसे एक हेल्दी अमाउंट, एक हेल्दी डॉलर्स में अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो हम चालू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस को लेकर मैं रोजाना आता रहता हूं। और हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐसे भी नए अपडेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डालता रहता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। यूट्यूब से हमारा पहला पैसा कमाने का तरीका होता है गूगल एडसेंस। बेसिकली गूगल एडसेंस एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब के वीडियोस पर एड चलाकर उनके कंटेंट क्रिएटर्स या फिर जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनको पैसा पे करता है। बस सिंपल, इसमें आपकी यूट्यूब के वीडियोस पर आप देखते होंगे या फिर किसी और के वीडियोस पर देखते होंगे एड चलता है। बस उन्हीं एड के बदले जो कि कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब के होते हैं उन्हें सिंपल यूट्यूब पैसा पे करता है। इसे हम लोग कहते हैं गूगल एडसेंस। लेकिन यहां पर बात आती है कि भाई, जो गूगल एडसेंस है वो किस हिसाब से पैसा पे करता है? क्या सब्सक्राइबर के पैसे देता है, क्या लाइक्स के पैसे देता है, क्या डिसलाइक के, क्या कमेंट के, क्या व्यूज के? बेसिकली आप सिंपल टर्म में ये समझ लीजिए कि यूट्यूब जो होता है आपके नंबर ऑफ व्यूज पैसा देता है कि आपके कितने व्यूज आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके 1000 व्यूज आ रहे हैं, किसी एक वीडियो पर 1000 व्यूज आए, तो यूट्यूब आपको $1 से $5 के बीच में पैसा पे कर सकता है। लेकिन इसमें भी कैटेगराइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो यूट्यूब चैनल है वो है टेक या गैजेट से रिलेटेड। अगर आपका YouTube चैनल टेक से है या फिर गैजेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हो आप, तो आपको वहां पर 1000 व्यू के $4 से $5 आराम से मिल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपका चैनल एजुकेशन से रिलेटेड होगा, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा, फैक्ट से रिलेटेड होगा, तो आपका या फिर फनी से रिलेटेड होगा, तो आपका जो वहां पर CPC मतलब जो वो होता है अमाउंट, वो $2 से $3 के बीच आ जाता है। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट पर व्यू, मतलब कितने कॉस्ट के, मतलब कितने व्यू पर कितने गूगल एडसेंस आपको पैसा पे कर रहा है। तो इसी हिसाब से आपको देखना होगा कि आपका जो चैनल है वो किस टॉपिक पर है, या फिर चैनल बनाना चाहते हैं तो किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं जहां से आप अच्छा खासा डॉलर जनरेट कर सके। तो ये हमारा पहला तरीका था यूट्यूब से पैसे कमाने का। अब हमारा दूसरा तरीका आता है एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी कंपनी या फिर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट करके और वहां से सेल करा के कमीशन कमाना। सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि इज इक्वल टू कमीशन। एफिलिएट मार्केटिंग इज इक्वल टू कमीशन, आप इतना समझिए। अगर मैं एक डिटेल में समझाऊं आपको, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर इजिली आप जाके चेक कर सकते हो प्रोडक्ट अपने टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका जो टॉपिक है या तो आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो वो है टैक्स से रिलेटेड, तो बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है जहां पर आप अपने टैक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो और वहां से सर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट का लिंक लेके अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हो और अपने वीडियो के माध्यम से, अपने वीडियो के द्वारा अपने जो सब्सक्राइबर है उनको बता सकते हो कि अगर आपको इस प्रोडक्ट की नीड है या फिर आपको इस सर्विस की नीड है तो आप इस लिंक पर जाकर उसको परचेज कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। और अगर आपके सब्सक्राइबर ने उसे खरीद लिया तो उस पर जितना नंबर ऑफ कमीशन बंधा होगा जो कंपनी आपको देगी वो पैसा आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि वो जो प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग का है उसका एक कॉस्ट 1000 रुपए की है, ठीक है, और उस पर जो कमीशन आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 30%, मतलब 1000 रुपए का सेल करोगे तो 300 रुपए आपको मिलेगा। और मान लो कि आपने दिन में 10 सेल करा दी तो 300 × 10 = 3000, मतलब आप दिन का ही 3000 रुपए कमा लोगे। और कोई भरोसा नहीं कि सिर्फ 10 सेल होगी, बहुत ज्यादा भी सेल हो सकती है और बहुत कम भी सेल हो सकती है। तो YouTube से पैसा अर्न करने का ये भी माध्यम है जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है, बस आपको वीडियो बना के बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप यहां से इसको परचेज कर सकते हो अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज में है तो। अब हमारा
तीसरा तरीका आता है पेड कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब होता है किसी को सुझाव देना, चाहे वो कॉल के माध्यम से हो, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से हो, चाहे वो फेस टू फेस हो, मतलब किसी को कंसल्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लेकिन यूट्यूब पे इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, तो जो मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर डिजिटल मार्केटर वाले बंदे होंगे जो कि सीखना चाहते हैं वो चीज। अगर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर लिख दूं पेड कंसल्टेशन इज इक्वल टू 5,000 रुपीज, कि अगर किसी को मुझे उससे एक घंटे के लिए बात करनी है तो मुझे वो 5,000 रुपए दे सकता है, अपने क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली मुझे कॉल के द्वारा या फिर वीडियो कॉल के द्वारा मुझसे पूछ सकता है। इससे क्या होगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा, जिसको पूछना होगा, तो मुझसे 5,000 रुपए पे करके अपने कॉल करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा। तो ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं पेड कंसल्टेशन। इसी तरह अगर आपको कोई चैनल है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सब्सक्राइबर आपसे पूछ सकते हैं, तब जाके वहां पर आप पेड कंसल्टेशन रख सकते हो कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इतना रुपीज पे करिए, आप मुझसे एक घंटे बात करिए, अपने प्रॉब्लम का सॉल्विंग पाइए। तो ये भी एक तरीका है बहुत इजी जिससे आप पैसे कमा सकते हो। ये तरीका आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा तीसरा तरीका जिससे आप अच्छा खासा YouTube से मनी अर्निंग कर सकते हो। अब हमारा चौथा तरीका आता है सेल योर पेड कोर्सेस। पेड कोर्सेस का मतलब होता है अपने खुद का आप ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हो और अपने सब्सक्राइबर को सेल कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस समय, अपने यूट्यूब मार्केटिंग के कोर्स सेल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के कोर्स सेल कर रहे हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में जिसमें वो एक्सपर्ट है उसमें कोर्सेज बनाकर सेल करके अपने सब्सक्राइबर्स को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। इस तरह आप भी अपने कोर्सेज को बना सकते हो। कोर्सेज बनाने में क्या है, या तो आप रिटन बना लो कोर्स, या तो वीडियो के फॉर्म में बना सकते हो कोर्स, ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको जिसमें सुटेबल लगे उसमें कोर्स बना के बेच सकते हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, मान लीजिए आपका एक ऐसा चैनल है जो कि इंग्लिश के बारे में बताता है कि आप किस तरह इंग्लिश सीख सकते हैं, आप किस तरह अपनी कम्युनिकेशन को इंग्लिश में सुधार सकते हैं, किस तरह इंग्लिश लिख सकते हैं, ये सब सारी चीजें आप बताते हो, तो ये तो आप वीडियो द्वारा बता ही रहे हो। आप नेक्स्ट में क्या कर सकते हो, इसको और डिटेल में बताने के लिए आप अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वो पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है, एमएस वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, किसी प्लेटफॉर्म में वीडियो द्वारा हो सकता है, और उसका एक प्राइस रख के अपने सब्सक्राइबर बता सकते हो कि भाई मेरा कोर्स है, और जब सब्सक्राइबर आपका कोर्स खरीदेंगे तो वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो यूट्यूब से कमाने का एक ये भी बहुत एक्सीलेंट तरीका है जिससे आप मनी अर्न कर सकते हो। अब हमारा पांचवा तरीका है यू कैन गेट क्लाइंट्स। आप अपने यूट्यूब चैनल से क्लाइंट भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मेरा चैनल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, तो अगर किसी को अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करानी होगी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करानी होगी, यूट्यूब मार्केटिंग करानी होगी, फेसबुक मार्केटिंग करानी होगी, तो वो मैं करता हूं। मैं अपने वीडियो से बताता रहता हूं कि अगर आपको ये सब करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल से क्लाइंट्स ले रहा हूं जिससे मैं उनको काम करके वहां से ही पैसे कमा सकता हूं। इसी तरह आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस नीच में वर्क कर रहे हो क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, क्या आपके वो क्लाइंट बन सकते हैं, ऐसा कोई काम है उनका जो कि आप फुलफिल करके उनसे पैसे कमा सकते हो। अगर है तो आप अपने यूट्यूब चैनल से क्लाइंट भी ले सकते हैं। जैसा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाह रहे हैं तो आप वहां से क्लाइंट भी ले सकते हैं। अगर टेक्निकल चीज है तो वहां से भी क्लाइंट ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप क्लाइंट लेके एक अच्छा खासा यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और एक ये भी तरीका हमारा होता है यूट्यूब से पैसे कमाने का। अब हमारा छठा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं तो उसमें लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट, या फिर किसी वीडियो में किसी चीज का रिव्यू करते हैं, कोई ऐप हो गया, कोई सर्विसेस हो गई, कोई प्रोडक्ट हो गया, उसका रिव्यू करते हैं। तो जब वो रिव्यू करते हैं जानते हो उसका क्या होता है, वो कंपनी उस प्रोडक्ट कंपनी उस यूट्यूबर से करती है कॉन्टैक्ट, कहती है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आप मुझसे इतने हजार या इतने लाख रुपए ले लो और इस प्रोडक्ट का अपने एक वीडियो बना के बस रिव्यू कर दो, अपने सब्सक्राइबर को बता दो भाई ये प्रोडक्ट है, इसका ये स्पेसिफिकेशन है, इसके ये बेनिफिट्स, सिंपल। इसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो या फिर स्पॉन्सर्ड पोस्ट। आप इससे भी पैसा कमा सकते हो और आप जानते भी हैं बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह पैसे कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जो मैंने आपको तरीका बताया है इसमें ये भी तरीका बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। कुछ नहीं करना है, कंपनी आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट करती है और खुद ही आपसे अप्रोच करती है, भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर दो और सिंपल मुझसे इतने पैसे ले लो। तो आपने क्या देखा, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए जिससे आप YouTube से अच्छे खासे तरीके से मनी अर्न कर सकते हो, पैसा अर्न कर सकते हो।
और ये सब कोई छोटा मोटा तरीका नहीं है कि आज किया कल खत्म हो गया, कल परसों किया नरसों खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये लाइफ टाइम है, जब तक आपका YouTube चैनल होगा, जब तक अपने फेस बनाकर आप अपना फेस दिखाकर वीडियो चला रहे हो, बिना फेस दिखाकर भी वीडियो नहीं बना रहे हो, तब तक ये आपका चलेगा। मतलब जब तक YouTube चैनल है तब तक आपका ये सब सोर्सेज होंगे पैसे कमाने के। तो अब आपको फोकस करना है कि आपको किस तरीके से अच्छे खासे तरीके से YouTube से अर्न करना है, कोर्सेज बेचने हैं, एड से कमाना है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट से कमाना है, या वगैरह वगैरह जो भी तरीके मैंने बताए उससे कमाना है। सो गाइज, आई होप जो भी मैंने चीजें आपको बताई वो आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी और समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।